मांडवी शहर कच्छ के राव खेंगर जी ने 1580 में बसाया था। इसका ये नाम महाभारत काल के मांडव के नाम पर पड़ा जो यहाँ रहा करते थे। ओरिजिनली मांडवी 8 मीटर ऊंची 1.25 मीटर चौड़ी एक दीवार से घिरा हुआ था जिसके करीब करीब 25 दरवाजे हुआ करते थे। आज सिर्फ इस दरवाजे के अवशेष ही देखे जा सकते हैं। समुद्री व्यापार के दिनों में और भाप के इंजन से चलने वाली नाव के आने के पहले मांडवी कच्छ का सबसे अमीर शहर हुआ करता था। मांडवी शहर में 400 साल से भी पुरानी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है जो आज भी लकड़ी के जहाज बनाने का काम करती है। डॉक्टर मनु भाई पांधी एक लोकल सामाजिक लीडर ने शिप बनाने की कला को कागजों पर उतारा और प्रिंस ऑफ वेलिस म्यूजियम मुंबई को एक बहुत बड़े खजाने के बदले में बेच दिया। मांडवी का किला और उसकी दीवार 1992 और 93 के बीच लोकल लोगों की इच्छा के विरुद्ध तोड़ दी गई और 2001 में मांडवी के किले को 2 चरणों में क्रमबद्ध तरीके से गिरा दिया गया। सिर्फ 4 बड़े दरवाजों को छोड़कर मांडवी का ट्रॉपिकल मौसम है जहां गर्मियों में सर्दी के मौसम से ज्यादा बारिश होती है। औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। मौसम की दृष्टि से मांडवी घूमने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। कच्छ के महाराजाओं ने मांडवी को अपनी गर्मियों की राजधानी बना रखा था। मैं हूँ कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया और आज के इस एपिसोड में मैं आपको भुज से मांडवी तक कैसे जाएं, कहाँ रुकें और लोकल मार्केट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुजरात सीरीज का 6th एपिसोड। मांडवी की भुज से कुल दूरी है 56 किलोमीटर। यहाँ आप सिर्फ बस के द्वारा ही आ जा सकते हैं। भुज से मांडवी के लिए बस का किराया है 35 रुपए और करीब करीब 1 घंटे में हम पहुंच गए मांडवी। हेलो दोस्तों, डे 1 है मांडवी में और रहने के लिए काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर करने के बाद जो जगह हमने फाइनल की है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जैन धर्मशाला है जो ST यानी कि स्टेट ट्रांसपोर्ट का जो बस स्टैंड है उससे लेफ्ट साइड में गेट से निकल के आएगी, मुश्किल से 200 मीटर पुराने बस स्टैंड के पास है। और जो यहाँ का फेवरेट रेस्टोरेंट है ओशो वो भी यहीं पर है, इसी मार्केट में है। देखिए किस तरह का दिखता है। मेन गेट से जैसे आप अंदर एंटर करते हैं तो ये व्यू है। बड़ा ओल्ड बिल्डिंग है पुराने आर्किटेक्चर का और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोगों ने इस बिल्डिंग को चुना, इस धर्मशाला को चुना रहने के लिए। आपके राइट में एसी रूम्स हैं और लेफ्ट में नॉन एसी रूम्स है जो मेरे फ्रंट पर है। हमने 11 नंबर का नॉन एसी रूम लिया है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ ऑलरेडी काफ़ी डाउन है। अब बस हमें जाके एक रात का 400 रुपये पे करना है, अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देनी है, बस यही है चीज़ें जो सबमिट करानी होगी। अच्छी जगह है, बाकी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। लेकिन ये जगह हमें इतनी आसानी से नहीं मिली थी। देखिए कैसे पहुंचे हम जैन धर्मशाला। हम समंदर के किनारे कहीं रुकना चाहते थे और होटल की तलाश में हम पहुंच गए तोपनसर लेक। शहर के बीचों बीच तोपनसर लेक एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। लेक के किनारे पेड़ की छांव में ठंडी ठंडी हवा और लेक में उड़ते इन पक्षियों को देखते देखते थोड़ा आराम किया। थोड़ी देर आराम करने के बाद लोकल लोगों से बात करते हुए हमारी मुलाकात हुई विजय ध्यानी जी से। इनके रिक्वेस्ट करने पर इनके साथ बाइक पर बैठकर इनके घर के फर्स्ट फ्लोर पर खाली पड़े 1 रूम सेट को देखने हम चल दिए। अच्छा, ये बाथरूम इधर है, ये ड्राइंग रूम जैसा हो गया। इधर छोड़ देंगे। अच्छा, ये बालकनी इधर है। अच्छा, इधर बाथरूम बना है। हाँ ठीक है। हिंदी में क्या बात कर रहे हैं ये बता दीजिए। अच्छा, ये सब सरकारी मकान है, ओके। तो इधर में जो रेस होता है वहाँ पे बनता है।
मेरा बोला इधर गाय बंद में गाय घोड़ा और गाय खाने की बात। वहाँ बेसिक फैसिलिटीज ना होने की वजह से मैंने इन्हें कोई और जगह देखने के लिए कहा, तो ये मुझे बाइक पर बिठाकर ले चले विनायक गेस्ट हाउस। विनायक गेस्ट हाउस आज बंद था, तो रुक्मावती नदी के किनारे सी व्यू होटल इन्होंने मुझे दिखाया, जिसका रेंट था 850। हाँ, हो गए। अभी ऑप्शन हो गया ना, तीन है अपना। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे धर्मशाला में रुकने के लिए भी पूछा, जिसके लिए मैंने हाँ कर दी, और इस तरह हम पहुंचे जैन धर्मशाला। इसको बनाने के बाद वापस समंदर में लेके जाते हैं इधर से। ये इतने बड़े जहाज पे क्या करते हैं, किस काम आएगा ये? बांध में माल भरते हैं ना, माल सामान। अच्छा, ये माल ले जाने यहाँ से हम आए और इधर कौन चले, चलते चलते वहाँ पहुँचे जा मिलेगा आपको, फोर व्हील जाइए तो मिलेगा, दोनों और जाना है किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी मिल जाएगी ऐसा वाला। अभी कहाँ कहाँ जा सकते हैं घूमने को? विजय विला पैलेस, बाद में है और गोत्रा क्या है, गोत्रा हो जाए। शाम के 5 बजने को थे। धर्मशाला के कमरे में अपना सामान रखने के बाद हम ओशो रेस्टोरेंट, जिसके बारे में बहुत से लोगों से सुना था, डिनर करने के लिए निकल पड़े। लेकिन जाकर पता चला कि उसकी टाइमिंग सुबह 11 बजे से 4 बजे तक है। तो हमने लोकल मार्केट में जाकर ट्रेडिशनल गुजराती स्ट्रीट फूड ट्राई करने का सोचा। आप भी देखिए कैसा है मांडवी का लोकल मार्केट और स्ट्रीट फूड। ये तब का लकड़ी है, 140 साल पुराना, मतलब हुआ 1930 1920 साल में। हाँ, मांडवी का जो गेट है। अच्छा, 140 साल हो गया इसको, और ये बिल्डिंग को भी अच्छा लगता है देखने में। ऐसी और कितनी बिल्डिंग है पुरानी? ऐसी बहुत सारी है, मार्केट में ही है। इनका कहना है कि ये यहाँ की पुरानी मंडी है, 140 साल से मंडी इसी जगह पर है। देखिए हर एक शॉपकीपर के लिए एक सेपरेट एरिया बनाया गया है, शायद इसी हिसाब से उसको बेचा जाता है। पानी में डालना, फिर पानी मत डालना, बोल देना सब जगह मीठा मीठा मिला है, यहाँ सिर्फ तीखा मिला। सिर्फ मिर्ची वाला ऐसा होना चाहिए, ऐसे बोलो खिलाओ सबको, खुश हो जाएंगे सब। खाने वाले ना
खाना है तो बोलो। आप पंजाब से हो गया? नहीं, मध्य प्रदेश से। आप किधर से? अच्छा, सरदार भाई को देख के लगा ना उधर से होगा। भाई का कहना है कि ये सबसे तीखा है, लग भी रहा है, आप देखो ऑल चिली। अच्छा, इसमें अंदर क्या डाला है? ऊपर तो मिर्ची है, नीचे बटे का। बटे का वही जो मणिपुरी के अंदर जाता है, होता है वो। बहुत सारी अलग अलग जगह की चीजें ट्राई करने के बाद, खाओ गली में रात का डिनर करने के बाद, इस तरह से हमारा मांडवी में पहला दिन कंप्लीट हुआ। अगले एपिसोड में मैं आपको मांडवी में घूमने के लिए कौन कौन सी टॉप टूरिस्ट लोकेशंस हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा।